नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एसएससी एमपीएस 2021 का टीयर टू का रिजल्ट आपका अभी तक नहीं आया है। नवंबर 6 को आपका 2022 में टीयर टू डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। एंड कॉल्स भी करके देख लिए हमने कि भाई पता लग जाएगी इस डेट को हमारा रिजल्ट आ सकता है, कोई टेंटेटिव डेट ही हो एटलीस्ट। बट अभी कॉल्स कर रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है या तो वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, एंड अभी रिप्लाई कर रहे हैं तो एक उनका रिप्लाई एज यूजल होता है कि भाई साइट पे आ जाएगा। ओब्वियसली साइट पे ही आएगा, और कहाँ दोगे आप रिजल्ट, न्यूज़पेपर में तो अब आता नहीं है। एंड रही बात आपका और जो रिप्लाई आते हैं, तो वो कह रहे हैं अभी आजकल में जो कॉल रिकॉर्डिंग्स आई हैं कि अभी इस मंथ में आ जाएगा, या फिर अभी कोई डेट है नहीं, उससे पहले एक और रिजल्ट आएगा। सीजीएल 2022 का दिख रहा है, वो तो टीयर वन का रिजल्ट आने वाला है शायद, 2021 का मे भी फाइनल हो सकता है। अगर 2021 का फाइनल आ जाता है तो और भी बेहतर बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर दो कैंडिडेट भी ऐसे हैं जिनका मार्क्स अच्छा है एमटीएस में और वो सीजीएल 2021 से सिलेक्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है वो छोड़ दें इसे। एंड अगर उनको अच्छा जॉब मिल जाता, छोड़ना भी चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी एसएससी तो जो कर रहा है, ट्विटर कैंपेन है, आपको इन्फॉर्म भी किया गया था टेलीग्राम ग्रुप में। ये ट्विटर कैंपेन हमने नहीं शुरू किया, बट जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। एंड सभी को पार्टिसिपेट करना है, जितने भी एमटीएस 2021 के कैंडिडेट्स हैं एटलीस्ट वो तो ज़रूर करें, ठीक है। हमारा हैशटैग रहेगा #declare_ssc_mts_tier2_result, ये हमारा हैशटैग रहेगा, ठीक है। कंप्लीट हमारा हैशटैग रहेगा, ठीक है। एंड सभी को पार्टिसिपेट करना, ये नहीं कि भाई हाँ कुछ कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट कर लिया, कुछ ने नहीं किया, क्योंकि ट्विटर कैंपेन कोई भी हो तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स हो। लाइक ट्रेंडिंग में लाना मेन इश्यू होता है। कुछ एक कह रहे थे ग्रुप में कि भाई किसी भी टैग कर दो अपने जो सीनियर्स हैं या अपने फेमस इंसान है जो, या जिनकी पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, पीएम हुए हमारे, या पीएम ऑफिस हुए, या डीओपीटी जो हमारा इंडिया का ऑफिशियल हैंडल है, उनको टैग कर दो, वहां तक बात पहुंच जाएगी। उन तक बात तभी पहुंचती है जब ट्रेंडिंग में आए, ठीक है। और ट्रेंडिंग में नहीं आ रहा है, हम 5,000-10,000 ट्वीट्स कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि ट्विटर कैंपेन की वैल्यू कम होती है। आप नहीं समझते हैं, आपको ये लगता है कि ट्विटर कैंपेन कर दिया तो हो जाएगा। अभी रिसेंटली किया था एक एज रिलैक्सेशन के लिए, शुभम जैन जी ने शुरू करवाया था वो, एंड उसमें काफ़ी मात्रा में ट्वीट्स भी थी, स्टिल वो ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया एंड उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको ये लगता है कि ट्विटर कैंपेन हाँ कर दो भाई, इसे कोई भी कर दो, उसे अच्छी जो भी वो करवाना चाह रहे हो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर कम मात्रा में कर रहे हैं तो आप ग्रीवांसेस फाइल कीजिए, ठीक है, पीजी पोर्टल पे। बट यहाँ पे आपको ज़्यादा मात्रा में आना ही पड़ेगा, नहीं आओगे तो वही बात है यार, फिर से हमारी किरकिरी होके रह जाएगी, ठीक है। एमटीएस 2021 टीए 2 का रिजल्ट है ये, ठीक है। ये कंप्लीट जिसने भी बनाया है, ये यहाँ पर लिखना चाहिए था टीए 2 रिजल्ट होना चाहिए, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टीए 2 रिजल्ट, ठीक है। एंड हैशटैग में भी है, हैशटैग #declare_ssc_mts_tier2_result। थोड़ा बड़ा है इसको, एज इट जैसा भी है ये वैसा ही यूज करना है, एज इट इज और एग्जैक्टली यही यूज करना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। और किसी भी एक ट्विटर कैंपेन में ना आप दूसरा चिपकाने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि एक ही हैशटैग उसमें अगर वायरल हो तो बेहतर है, ठीक है। ऐसा हैशटैग आप उसमें लगा रहे हो जो किसी को पता ही नहीं है, ठीक है, तो उसका फायदा नहीं होगा। तो कम से कम एक ही हैशटैग यूज कीजिए और अपनी बात कहिए, जो भी आपकी बात है कि टीयर टू का रिजल्ट आना चाहिए। एंड सभी को पार्टिसिपेट करना, शेयर कीजिए, ये स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा वीडियो आप शेयर करें, ठीक है। एंड अगर आप वीडियो शेयर करना चाहें तो समझ जाना चाहिए उस सामने वाले बंदर को भी कि क्यों उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए एमटीएस टीयर टू का रिजल्ट अगर अभी नहीं आ पाता है, लेट्स सपोज अभी आपका फरवरी में नहीं आता है, एंड देन ऑब्वियसली आगे प्रोसेस भी लेट होगा, तो अप्रैल में शायद टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है आपका एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम, और उसमें एक ही बार एग्ज़ाम होना है, उसके ना बाद में कुछ और प्रोसेस है, डायरेक्ट आपकी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होगी, जो भी डिपार्टमेंट है आपका वो आपका
मिल जाएगा आपको, और वहीं पे आपकी डिपार्टमेंटल डीवी होगा, तो टाइम भी लगेगा एंड सीट्स भी वेस्ट होंगी। वैसे सीजीएल 2021 का अगर ये मेंस का भी दे देते हैं, फाइनल आएगा भाई तो सीजीएल 2021 का अगर वो दे देते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक, मान लो इस वीक में सीजीएल 2021 का दे दें, 2022 का टीयर वन दे दें, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट मंथ में आप सॉरी नेक्स्ट वीक में आपका एमटीएस का रिजल्ट दे दें तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सीएचएसएल में भी अभी आपका स्किल टेस्ट का रिजल्ट आना बाकी, देन डीवी होगा, इसमें आपका टीयर टू का रिजल्ट आना बाकी, देन डीवी होगा। ठीक है, एंड लेट्स सी क्या होता है, पर इसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, एंड जितना ज़्यादा हो उसके ट्वीट्स करिए। ट्वीट्स कैसे करने हैं आपको, ये नहीं कि आपको एक ही अकाउंट से हर एक एक मिनट में, एक एक मिनट में नहीं, पाँच पाँच मिनट में करते रहिए, 15-20 ट्वीट्स एटलीस्ट होने चाहिए एक अकाउंट से। ठीक है, मान लो पाँच पाँच मिनट में करोगे तो एक घंटे में कितने हुए, 12 ट्वीट्स। ठीक है, 11 AM से, देखिए हमें ये नहीं करना कि 5 बजे तक लगे रहे हम शाम या 6 बजे तक लगे रहे, नहीं, 11 बजे शुरू हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ये ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, ट्यूसडे को जो हमारा हो रहा है, ट्यूसडे 7 फरवरी 2023 को फ्रॉम 11 AM, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक का होना चाहिए, जिससे कि 1 PM तक इससे ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाइए। ठीक है, अगर हम थोड़ी बहुत देर का करते हैं और उसमें ज़्यादा ट्वीट्स करते हैं तो फ़ायदा होगा, खींचते हैं हम लंबा 5 बजे तक 6 बजे तक और ट्वीट्स को इक्का दुक्का हो रही है तो फ़ायदा नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये, 5-5 मिनट में आप ट्वीट्स करोगे तो वही आपका 20-25 ट्वीट्स बैठ जाएंगे 2 घंटे के अंदर एटलीस्ट। हम मल्टीपल अकाउंट्स आपके पास हैं तो ज़रूर करिए। ठीक है, मान लो जैसे मैं करता हूँ, जैसे लास्ट अभी कैंपेन हुआ था तो मैंने ऑफिशियल अकाउंट जो गुरुजी का स्कूल का अकाउंट है उससे, तब मेरा जो पर्सनल अकाउंट है उससे भी मैंने ट्वीट किया था। ठीक है, तो अगर आपके भी कोई ऐसे अकाउंट है मल्टीपल अकाउंट से तो आप कर लीजिए, एक अकाउंट से एक बार ट्वीट कीजिए, दूसरे से रिट्वीट कीजिए, किसी और का ट्वीट रिट्वीट कीजिए, कोट करके आप रिट्वीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप करिए। ठीक है, एंड जितने ज़्यादा ट्वीट्स होंगे, याद रखिए जितने ज़्यादा ट्वीट्स होंगे उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे ट्रेंडिंग में आने के लिए। ठीक है, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आप ज़्यादा, आप हमारे साथ कोई है, मतलब ज़्यादा कोई जुड़ा हुआ है, हम ही है जो भी हैं या और एक दो चैनल होंगे जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, और आप ही हो दो जो भी MTS 2021 के कैंडिडेट्स हो, तो सभी को पार्टिसिपेट करना है एंड जितना हो सके उतने ज़्यादा ट्वीट्स कीजिए एंड बस इतना ही है। ठीक है, वीडियो लाइक एंड शेयर करें, ये स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें, इसे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, एंड आपका जो भी क्वेश्चन है या जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसमें डालिए, ट्विटर में, ट्विटर कैंपेन में ट्वीट करते समय हैशटैग ये रहेगा आपका, टाइमिंग एंड ये सब आपका डिटेल्स हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, एंड आपका जो भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, ट्विटर का लिंक, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम लिंक, ठीक है, एंड टेलीग्राम ग्रुप आप जुड़ जाएं। ठीक है, एंड अगर आप हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, इससे हमें आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।